तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं OnePlus के 9 सीरीज के बारे में। मतलब भाई देखिए, काफ़ी सारे लीक्स, काफ़ी सारे रूमर दोस्तों बाहर सामने निकल के आ रहा है, तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ OnePlus की तरफ से भी जो है कंफर्म हो चुका है। मतलब 90% चीज़ दोस्तों कंफर्म हो चुका है OnePlus की तरफ से कि OnePlus 9 सीरीज में आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ के बारे में दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले। तो आप अगर OnePlus के फैन हैं और आप अगर OnePlus 9 सीरीज के बारे में सारी चीज़ जानना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो काफ़ी काम का वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले OnePlus के 9 सीरीज के बारे में। दोस्तों देखिए, इस बार जो है OnePlus की तरफ से 9 सीरीज का 3 फोन आने वाला है। मतलब जैसे कि पिछले साल OnePlus 8, OnePlus 8 Pro आया था, उससे पहले OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, मतलब दो फोन आता है ओके। लेकिन इस बार जो 3 फोन आने वाला है, मतलब इस बार आएगा OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 Lite या OnePlus 9 AC, ऐसे कुछ आएगा ओके। तो ऐसे में जो आपको OnePlus 9 Lite रहेगा ना, वो दोस्तों सबसे नीचे वाला वेरियंट रहेगा, उसके बाद OnePlus 9, उसके बाद OnePlus 9 Pro ओके। तो ऐसे में जो आपको OnePlus 9 Lite आपका होगा दोस्तों, इसका प्राइस मतलब सुनने में आ रहा है कि भाई 30,000 के आसपास से शुरू होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे OnePlus का टारगेट है कि भाई 30 से लेकर के 50, 60,000 या 70,000 के अंदर में जो भी सारे कस्टमर है, सारे के सारे कस्टमर को दोस्तों यहाँ पे OnePlus ने फोकस करने का मतलब ऐसे पूरा टारगेट बना लिया है। तो ऐसे में दोस्तों जो OnePlus AC है, इसका प्राइस जो 30,000 के आसपास हो सकता है। उसके बाद दोस्तों OnePlus का 9 सीरीज में आपको कैमरा में एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। मतलब भाई देखिए, हर साल जो है OnePlus का जो सीरीज होता है ना, उसका जो कैमरा है ना, काफी अच्छे होता है, फ्लैगशिप लेवल का होता है। लेकिन दोस्तों उस प्राइस पॉइंट में जो भी सारे फ्लैगशिप फोन अवेलेबल रहता है, जैसे कि सैमसंग का इस सीरीज का जो फ्लैगशिप फोन रहता है दोस्तों, उसका टक्कर में जो है OnePlus का जो फ्लैगशिप फोन है वो मार खा जाता है। लेकिन इस बार OnePlus ने कमर कस लिया है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है OnePlus ने अपना कैमरा में हेसल ब्लड का लेंस देने वाला है। दोस्तों ये जो कंपनी है ना हेसल ब्लड, ये दोस्तों बहुत ही बड़े कंपनी है, और ये कंपनी दोस्तों जो DSLR कैमरा वगैरह बनाता है, उसका लेंस वगैरह बनाता है। मतलब भाई इस कंपनी का लेंस इस बार लगने वाला है OnePlus 9 सीरीज। मतलब भाई इस बार OnePlus 9 सीरीज का जो कैमरा होगा दोस्तों, काफी धासु होने वाला है, काफी जबरदस्त होने वाला है भाई। तो कैमरा में यहाँ पे बहुत बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से। दोस्तों उसके बाद सबसे जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि भाई OnePlus जो है अपना 9 सीरीज में जो क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है ना, वो प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। मतलब भाई हमेशा ऐसे ही होता है कि भाई OnePlus जब भी अपना फोन मार्केट में लाता है, तो उस समय का क्वालकॉम का जो लेटेस्ट प्रोसेसर होता है ना, वो जो है अपना फोन में प्रोवाइड करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब भाई इस बार जो आपको OnePlus का 9 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब भाई इस बार जो आपको OnePlus का 9 सीरीज के फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल सकता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 दोस्तों इस बार आपको OnePlus के 8 सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा, सुनने में दोस्तों कुछ ऐसे ही आ रहा है। बात बाकी दोस्तों क्या सच है क्या मतलब है अभी तक से कुछ श्योर नहीं है, लेकिन दोस्तों मतलब काफी सारे स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के सामने आ रहा है कि भाई इस बार आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई OnePlus ने अपना 9 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ही प्रोवाइड करे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों अभी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं OnePlus 9 AC के बारे में। हाँ दोस्तों, जब OnePlus 9 AC या OnePlus 9 Lite है, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक बिल्ड। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस फोन का प्राइस जो है 30,000 रुपये के आसपास से शुरू होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, और साथ में काफ़ी सारी जगह से दोस्तों कॉस्ट कटिंग किया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको आईपी रेटिंग नहीं मिलेगा, आपको जो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो सुपर फास्ट चार्जिंग वगैरह वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैमरा सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे मतलब जो OnePlus 9 या OnePlus 9 Pro जैसा नहीं होने वाला है, हम लोग सबको जानते हैं दोस्तों ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग काफ़ी जगह से किया जाएगा ताकि फोन का प्राइस 30,000 रुपये से शुरू हो सके। साथ में दोस्तों इस बार आपको OnePlus 9 Pro में आपको जो क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, तो ऐसे में जो मेन दो सेंसर रहेगा ना, दोनों सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का ही रहेगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का नंबर गेम नहीं खेला जाएगा, जैसे कि 64 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का, दोस्तों ऐसे नहीं होने वाला। इसमें आपको जो दो मेन सेंसर मिलेगा, दोनों ही जो है 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। एक हो गया मेन सेंसर, दूसरा रहेगा आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, दोनों ही जो आपको 48 मेगापिक्सल का ही रहेगा। बाद बाकी जो दो सेंसर है दोस्तों, उसमें से एक होगा आपका माइक्रो सेंसर, दूसरा होगा आपका डेप सेंसर। यहाँ पे दोस्तों टेलीफोटो लेंस इस बार भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। तो जो फोटो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों OnePlus 9 Pro का, तो उसको देख के लग नहीं रहा है कि भाई आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, क्योंकि भाई टेलीफोटो लेंस का जो हाफ भाप कुछ और रहता है, उसका जो स्क्वायर टाइप का शेप रहता है, देख के पता चल जाता है कि भाई जो टेलीफोटो लेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे टेलीफोटो लेंस को ऐड करना चाहिए OnePlus को, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। अगर होगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छे होगा, लेकिन दोस्तों फोटो देख के लग नहीं रहा है। और पिछले साल भाई मोनोक्रोमो लेंस देख करके फंस गया था, उसको लास्ट में जो उसको बंद करना पड़ा था OnePlus को अपडेट देख करके। तो इस बार आपको मोनोक्रोमो लेंस नहीं मिलेगा, एक डेप्थ और एक माइक्रो ही मिलेगा मेरे ख्याल से। और दोस्तों बातें करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो ऐसे में OnePlus 9 Pro में आपको जो है
2 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और जब आपको वन प्लस 9 और वन प्लस 9 लाइट या एसी जो है दोस्तों, इसमें आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा। तो ऐसे में जो आपका वन प्लस 9 है, इसमें आपको मेरे ख्याल से 90 हर्ट्ज का मिलेगा डिस्प्ले, और जब आपका वन प्लस 9 लाइट या एसी रहेगा, इसमें आपको 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलेगा। दोस्तों ऐसे में जो आपका वन प्लस 9 प्रो है, इसमें आपको जो 60 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। साथ में 30 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा वन प्लस 9 प्रो में। तो अगर बात करें वन प्लस 9 की, तो इसमें आपको मेरे ख्याल से भाई 30 वाट के चार्जर मिलेगा। साथ में वन प्लस 9 में भी आपको जो दोस्तों 30 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आपको वन प्लस 9 लाइट या वन प्लस 9 एसी है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड, तो प्लास्टिक बिल्ड में दोस्तों वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। और साथ में वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो में आपको जो दोस्तों IP68 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब भाई ये फोन जो है धूल और गर्दा से सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर बात करें वन प्लस 9 लाइट या एसी की, तो इसमें आपको जो किसी भी तरह का आईपी रेटिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसका बाद दोस्तों वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो का जो प्राइस है ना, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, मेरे ख्याल से 5,000 से लेकर 8,000 रुपए ज्यादा हो सकता है। देखिए पिछले साल जो वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो लॉन्च हुआ था ना, बाहर कंट्री में अदर्स कंट्री में दोस्तों काफी ज्यादा प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो फोन जब हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था दोस्तों काफी कम प्राइस में फोन को लॉन्च किया गया था दूसरा कंट्री के मुकाबले में। तो इस बार भी वैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो अदर्स कंट्री है ना, अदर्स कंट्री में ये जो वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो का जो प्राइस है ना, थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है पिछले साल के मुकाबले में। इंडिया में क्या होगा अभी तक से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया में भी इस बार जो है फोन का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा ज्यादा करके रखा जाएगा फोन का प्राइस। तो दोस्तों ये सारे खबर निकल के सामने आ रहा है वन प्लस 9 सीरीज के बारे में, तो आगे चलकर जो भी सारे और भी खबर हम लोग को मिलते रहेगा वन प्लस 9 सीरीज के बारे में, हम जो सारे के सारे जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जो भी दोस्तों ये सारे बातें आपसे करनी थी वन प्लस 9 सीरीज के बारे में, जो कि आपको बता चुका हूं, तो मुझे देखिए जानकारी आपको अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, ऐसे में वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले, तो जानकारी इसका और उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो या ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो या ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतने दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।